ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की बेटी ने एक बार फिर से प्रदेश का नाम रोशन किया है। ऊना की जवाहर नवोदय विद्यालय पेखू बेला की नौवीं की छात्रा अनुष्का शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कैडेट प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुष्का को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। वहीं अनुष्का के स्कूल में खुशी का माहौल है और उसके अध्यापक और उसके दोस्त भी उसकी इस उपाधि से काफी खुश हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पेखू बेला की नवमी कक्षा की छात्रा अनुष्का शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर नाम चमकाया है। अनुष्का शर्मा ने 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में एनसीसी जूनियर विंग की कमान संभालते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट थल सेना प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अनुष्का शर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्ण पदक दिया। विज्ञान विषय में अनुष्का शर्मा की खासी रुचि है, इसके चलते गत वर्ष उनका चयन राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए भी हुआ था। वह अनुष्का शर्मा को गोल्ड मेडल और बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिलने से स्कूल में काफी खुशी का माहौल है। अनुष्का खेलों में भी काफी आगे है और वह पढ़ाई में भी सबसे आगे है। उसकी इस उपलब्धि के लिए उसने खूब मेहनत की है। अनुष्का एक मेहनती लड़की है, उसने जिले का ही नहीं बल्कि प्रदेश का नाम रोशन किया है। अनुष्का एक टैलेंटेड लड़की है और हमें उम्मीद है कि वह आगे चलकर और हमें उम्मीद है कि वह आगे और बढ़ेगी। वहीं अनुष्का के ऊना आने पर एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, यहाँ पर उसको सम्मानित भी किया जाएगा। अनुष्का एक ऐसी लड़की है जिसको देखकर लड़कियों को भी हौसला मिलता है। वहीं प्रिंसिपल की माने तो आज के समय में लड़कियां लड़कों से कहीं आगे जा रही हैं, इसलिए लड़कियों को कम नहीं आंकना चाहिए। वहीं अनुष्का के दोस्त भी उसके बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिलने से काफी खुश है। अनुष्का के बेस्ट दोस्तों की माने तो वे आज बहुत खुश हैं कि आज उसकी दोस्त को देश के प्रधानमंत्री से अवार्ड मिला है। मैं उससे काफी मोटिवेट हूँ, आज पूरा प्रदेश का नाम उसने रोशन किया है। अनुष्का पढ़ाई में भी काफी आगे है और लगातार वे आगे बढ़ रही है और हम भी उसकी तरह ही बनना चाहते हैं। मेरा नाम आर्या बसु है। वो सच में बहुत अच्छी है, इवन वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। तो बीइंग अ बेस्ट फ्रेंड सच में बहुत अच्छा लगा कि मेरी साथी एक दिल्ली में पीएम से अवार्ड लेके आई, पूरे प्रदेश का उसने नाम रोशन किया। एक तरह से उसने मुझे बहुत मोटिवेट भी किया कि हाँ कोई बात नहीं, हम सारे करेंगे। और वो एक पूरे प्रदेश के लिए एक मोटिवेशन का काम कर रही है इस वक्त, और पूरा स्कूल काफ़ी खुश है, साथ में पूरा प्रदेश भी बहुत खुश है। अदिति शारदा पढ़ाई में तो आगे थी ही परंतु वो बाकी गतिविधियों में भी काफ़ी आगे हैं। अभी उन्होंने उसने हाल ही में खिताब जीता है। हमारे स्कूल को उस पर बहुत गर्व है, स्कूल को नहीं पूरे प्रदेश को उस पर गर्व है। सर ये तो बहुत खुशी की बात है और इसके साथ बहुत गर्व महसूस होता है कि अनुष्का जो बेस्ट कैडेट डिक्लेयर की जज की गई है उस वो हमारे स्कूल से है, और इसमें उसका हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन दोनों चीज़ें शामिल हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि इसमें जो एनसीसी यूनिट हमारी 6 HP का इंडिपेंडेंट ऊना यूनिट है, उसका हार्डवर्क, उनका उसके ऊपर किया गया काम, वो इस परिणाम को आज लेकर आया है। इसमें कर्नल संकेत और उनका पूरा स्टाफ बधाई का पात्र है। और अनुष्का केवल एक अच्छी कैडेट ही नहीं है बल्कि बहुत अच्छी स्टूडेंट है, हमेशा फर्स्ट आती है क्लास में, और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है, वॉलीबॉल प्लेयर है नेशनल लेवल की, और इसके साथ साथ और बहुत ओबीडियंट डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट है। बेटी की इस उपलब्धि के लिए उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी बेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर एनसीसी में बेस्ट कैडेट जूनियर विंग का अवार्ड माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्राप्त किया। उसकी सफलता के पीछे मेरा परिवार, उसके स्कूल के टीचर, स्पेशली राजेश सर एंड राकेश सर, और उसके कर्नल संकेत हैं। कर्नल संकेत का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो छोटी उम्र में ही बहुत अच्छी और बहुत बड़ी उपलब्धि उसने प्राप्त की। उसकी इस उपलब्धि के पीछे उसके कर्नल श्री संकेत दियो जी, उसके ANO श्री संजय जी, इन सब का बहुत बड़ा योगदान रहा। कर्नल साहब उसको समय समय पर गाइड करते रहे, मॉनिटर करते रहे, उसे समझाते रहे, और तो और उन्होंने कुछ अपने
उस समय की जब वो खुद कैडेट थे उस समय की उसको बुक्स भी दी पढ़ने के लिए समझने के लिए, तो इन चीज़ों का बड़ा उसका उसको उसको आगे बढ़ने में बहुत साथ रहा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी कि नवोदय विद्यालय जो कि उसको लिए एक अच्छा स्कूल मिला और अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जिससे वो अपने आप को और अच्छा बना सके, बढ़िया बना सके, अपनी प्रतिभा को निखार सके। तीसरा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो है उसका बचपन का स्कूल जिसमें वो जिसने उसने अपनी पढ़ाई शुरू की है वो है VPS। VPS के टीचर्स ने भी उसे निखारने में उसे संवारने में कोई कमी नहीं रखी। उसकी हर तरह की उपलब्धि के पीछे इन सभी इंस्टीट्यूट्स का हाथ है। तो ये था आज का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एचडी के साथ। नमस्कार।